नमस्कार मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के साथ ही क्रिकेट का उत्सव भी शुरू हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्टेडियम का उद्घाटन किया और इसके साथ ही स्टेडियम को मिला नया नाम। अब दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम उनके संसदीय क्षेत्र को और दृढ़ बनाएगा और साथ ही साथ पीएम मोदी की ओर से मिला सबसे बड़ा तोहफा भी बताया। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम दिया गया है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पूरी तरीके से जो सरदार पटेल स्टेडियम है उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया, जबकि स्पोर्ट्स एनक्लेव पूरा का पूरा स्टेडियम के अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो को स्पोर्ट्स एनक्लेव नाम दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव। तो ये नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और यहाँ पर जब से इसको बनाया गया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिलचस्पी लेते रहे और उनके विज़न के मुताबिक ही न कि केवल देश लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ही नहीं बल्कि सबसे अत्याधुनिक सेवाओं के साथ स्टेडियम लेस है। वो सभी क्रिकेटर्स ने अपने ट्वीट के जरिए भी इस बात को रखा और ये जो आज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने आज जिसका उद्घाटन किया उसको नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम फिलहाल रखा गया है। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उद्घाटन के साथ स्पोर्ट्स एनक्लेव का शिलान्यास भी किया। उद्घाटन के बाद मोटेरा के मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच भी खेला जाना है और उसकी शुरुआत भी होनी है। आपको बता दें इसको 800 करोड़ रुपए की लागत पर बनाया गया है और कुछ खास बातें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ये स्टेडियम है कई खासियत के साथ जो ड्रीम प्रोजेक्ट में रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो एक नया स्टेडियम नए नाम के साथ देश को समर्पित, वहीं नंबर वन स्टेडियम इसको माना जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ा ये स्टेडियम है दुनिया का। और यहाँ पर आप समझिए लोग जो है वो 1,10,000 के करीब लोग बैठ सकते हैं स्टेडियम में, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस बार आज जो मैच हो रहा है उस पर सिर्फ 50% टिकट की बिक्री की गई है। जब स्टेडियम बनाने की बात आई तब उन्होंने हम सबके सामने कहा था छोटा मत सोचकर सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। और जब स्टेडियम बना और जब कैपेसिटी तराश की गई 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर्मकमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। अब आपको दो तस्वीरें दिखा दें। पहली